व्यूअर्स, वेलकम टू येट अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सेलिब्रिटी ऑनलाइन। और मैं हूं आपका होस्ट अदील हाशमी। आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी मौजूद हैं वो पाकिस्तान के एक पॉप स्टार हैं, एक पॉप आइकॉन हैं, नूरी बैंड से ताल्लुक है। हमारे साथ मौजूद हैं द एवर पॉपुलर अली नूर। अली, वेलकम टू सेलिब्रिटी ऑनलाइन। थैंक यू। सबसे पहले ये बताएं कि पॉप स्टार्स और रॉक स्टार्स में एक चीज़ कॉमन होती है कि इनके बाल बहुत लंबे होते हैं। इसका कोई म्यूजिक से ताल्लुक है या नाई ना होने से ताल्लुक है, या इसका किस चीज़ से ताल्लुक है? इसका आई थिंक हमारे अंदर की जो बेचैनियाँ होती हैं ना, उसको साथ डील करने के लिए हम बाल अपने लंबे कर लेते हैं। तो आई थिंक उसका ही ताल्लुक है। तो वो बेचैनियां कम होती है इससे, बढ़ जाती हैं इससे, मतलब अच्छा। और एक और कॉमनैलिटी भी होती है, हाँ, या बाल लंबे करते हैं वो, या बाल अगर ना हो तो रात को ऐनक लगा लेते हैं। रात को नहीं, वो मैं नहीं लगाता। मैं बड़ा खिलाफ हूँ इसके, सनग्लासेस के। बट ये है कि हाँ, बाल लंबे करने का तो शौक बचपन। एक्चुअली हमारे पास एक रैशनल रीजन है, मेरे भाई के पास, कि पूरे हम लोगों ने जिंदगी के मतलब जो इनिशियल 10 या नहीं बल्कि 15-16 साल जो थे ना, उसमें हमारी अम्मी ने लिटरली हमारी टेंड रखी ऑल आवर लाइफ, मतलब इतने इतने बाल। तो यू आर गेटिंग इवन, तो हाँ, वी आर गेटिंग सॉर्ट ऑफ बैलेंसिंग द दैट। तो कितने साल में हिसाब बराबर होगा, यू विल कम बैक टू? आई थिंक अभी 4-5 साल कम से कम और पड़े हैं, उसके बाद अल्लाह मियां खुद बैलेंस करेगा हमको। अच्छा, ये जो बैंड है नूरी, ये प्रेडोमिनेंटली आपका और आपके भाई का इसमें बहुत ज्यादा अमल दखल है? बाकी कुछ लोग, कुछ परमानेंट मेंबर्स भी रहे हैं, कुछ मेंबर्स बीच में चेंज भी हुए हैं। भाइयों का झगड़ा कब हो रहा है? झगड़ा बहुत होता है जो जब से नूरी शुरू हुआ है, उसके बाद तो बहुत झगड़े हुए हैं, लेकिन आई थिंक वी हैव लर्न टू कम यू नो क्लोजर ऑन अ वेरी डिफरेंट प्लेन ऑल टुगेदर। तो वो एक आई थिंक एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है, लेकिन अभी उसमें बहुत ज्यादा काम होना है। तो क्रिएटिव डिफरेंसेस आपके हुए हैं, होते हैं लिरिक्स के ऊपर, मेलोडी के ऊपर, इन्वेंट के ऊपर? डिफरेंसेस बिल्कुल नहीं। ये कैसे हो सकता है? इट्स फनी बिकॉज आई थिंक द रीजन हम लोगों ने इकट्ठे काम करने का फैसला किया वो एसेंशियली किया इसलिए कि एक अजीब सी टेलीपैथी है उसके और मेरे दरमियान। एंड क्रिएटिवली आई डोंट थिंक वी एवर हैड अ प्रॉब्लम, लाइक फ्रॉम इनफैक्ट नूरी की बिगिनिंग ही इस पॉइंट पे हुई थी कि तकरीबन कोई जो मैं कितना 15-16 साल का मैं हूँगा, हमजा 12-13 साल का होगा उस वक्त। ही जस्ट केम अप विद अ सॉन्ग एंड आई क्विकली स्टार्टेड बिल्डिंग ऑन इट, एंड दैट्स व्हेन वी न्यू कि मेरे और उसका एक अजीब सा एक कोई है क्रिएटिव वो है, एक लिंक है। तो क्रिएटिव डिफरेंस कभी नहीं हुआ। जब भी आप लोग एल्बम्स पे काम करते हो या गानों पे काम करते हो, उसमें क्रिएटिव इंजन मेलोडी का किसका होता है और लिरिक्स का किसका होता है? ये सेट है आप लोगों के रोल्स या ये ओवरशैडो करते हैं? इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड आउट, तो हमजा वाज सपोज्ड टू बी द वोकलिस्ट एंड आई वाज सपोज्ड टू बी जस्ट द गिटारिस्ट एंड वी वर सपोज्ड टू कंपोज द सॉन्ग्स टुगेदर। फिर हमजा थोड़ा सा जरा उन्होंने अपना ही वेंट इन टू लम्स एंड वट एवर, और उनका थोड़ा सा शौक कम हुआ, तो फिर मैं बहुत सीरियसली परसू करता रहा था फॉर 5-6 ईयर्स। सो वट यू हेयरिंग राइट नाउ इज इन फैक्ट मोस्ट ऑफ इट इज माई वर्क, बट अली हमजा ऑन द साइड हैज रिटन अ लॉट मोर सॉन्ग्स एंड अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग, बिकॉज मेरा टेस्ट जैसा रॉक की तरफ है, उनका एसेंशली टेस्ट ज्यादा ईस्टर्न म्यूजिक की तरफ है। सो वट यू गोइंग टू हेयर इन द फ्यूचर, वो आई थिंक एग्जैक्ट कोलैबोरेशन इतना तो नहीं होता कि 50-50 होता है, लेकिन यह है कि the way we approach songs is that for us every song is like an idea and we build around it. So both of us are giving our input. Sometimes you know koi aur teesra banda bhi aake apna input off and on, like Gambi, especially in the rhythm sections, every off and on. Jab main koi aamtaur pe beat nahi main khud define kar chuka hota, but then he refines it for me, which includes melody and lyrics. Lyrics lately Hamza has been writing. Theek hai. पुराने गानों के सारे तकरीबन मैंने लिखे थे, लेकिन स्पेशली जो नए गाने लिख रहा हूँ, बिकॉज आई हैव बीन सॉर्ट ऑफ आउट ऑफ टच, आई हैव नॉट बीन राइटिंग लिरिक्स दैट मच, बट हमजा राइट्स मोस्ट ऑफ द लिरिक्स नाउ। अच्छा, आपके वालदैन ने कभी आपको, अब तो खैर आप सक्सेसफुल हो गए हो, लेकिन जब काम शुरू किया था, आई रिमेंबर यू नो मिड 90s लेट 90s में, आपका एक स्टूडियो भी था उस वक्त, यू नो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट एक होता है, उस वक्त कभी पेरेंट्स ने ये कहा कि यार किन कमाज पे गए यार, को टांगदा कम कर ला यार, इसको कम में करना ला, कभी ऐसा हुआ? आई डोंट नो इफ यू लाइक, अम्मी तो हमारी है म्यूजिशियन डे वन से, और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि काम करने वाला करो, लेकिन उनका सिर्फ ये इंटरेस्ट था कि हम लोग थोड़ा सा सीरियस रहें काम के बारे में। सो दे वर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट अस सॉर्ट ऑफ गोइंग इनटू दिस ढीलापन ऑफ यू नो कि हम मेंटली तौर पे बहुत लेजी हो जाएं, उससे उनको बहुत डर लगता था। कोई ऐसा स्पेसिफिक मोमेंट था या कोई स्पेसिफिक इवेंट था जिसके बाद जो नूरी बैंड था वो टेक ऑफ किया, या इट वॉज अ स्लो ग्रेजुअल टेक ऑफ? नहीं, नूरी वॉज को मैं तो बहुत अच्छे से कर, मैंने तो 3 एल्बम्स पूरे लिख चुका था, मेरे जहन में एक आइडिया था कि दिस इज हाउ वुड वांट टू डू नूरी, एंड नूरी वाज टोटली रिवॉल्विंग अराउंड एन आइडिया कि हमने लव सॉन्ग्स नहीं करने, ठीक है, हमने हमने कोई
प्रीचर्स नहीं बनना और ना ही हमने बहुत नेगेटिव, लेकिन हमें कोई आइडियाज जरूर से जरूर खेलना है. एंड वी हैव टू, एंड द बेसिक आइडिया दैट आई वाज, यू नो, दैट वाज हिटिंग मी, व्हिच वाज इन पार्ट ऑफ माय ग्रोथ, वाज कि आई वाज वेरी डिस्टर्ब एट द इंडिफरेंस दैट एग्जिस्टेड अराउंड मी. पीपल वर जस्ट ट्राइंग टू फॉलो थिंग्स एंड दे वरंट थिंकिंग अबाउट इट, यू नो, एंड अनथिंकिंग थिंग इज व्हाट यूज्ड टू बदर मी ऑल द टाइम. तो गाने उसके दे एसेंशियली रिवॉल्व अराउंड दैट. And I wanted to take them out, and I really wanted to use music as a vehicle to communicate certain ideas, certain thoughts. आपसे आपकी second album की बात भी करनी है, मनवरे की बात भी करनी है, और बहुत सारी बातें करनी है. Viewers, एक छोटी सी break लेंगे और वापस आएंगे. Stay with us. We'll be right back. Welcome back to Celebrity Online. हमारे साथ मौजूद है नूरी बैंड के अली नूर. अली, ये बताएं कि जो पहला एक धमाका खेज गाना आया था वो मनवरे था. जी. वो किसके लिए बना था और उस वक्त उस चीज में वो क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ और उसके बाद वो धमाका कैसे हुआ उस गाने से? इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, बट द फैक्ट इज कि वो गाना लिखा गया था सजाद गुल की कोई एक फिल्म बननी थी. बिलाल हैदर शाह एक होते हैं डायरेक्टर, जिन्होंने हमारा खला का वीडियो और करते थे, उनसे मेरी बहुत अभी भी बहुत दोस्ती है. तो वो करना चाह रहे थे वो फिल्म, उनको मतलब आई डोंट नो, तो ही जस्ट सेड कि प्लीज बना दो. तो आई जस्ट जल्दी में 2-2.5 घंटे में वो पूरा गाना कंपोज करके कंसीव करके, एक लिरिसिस्ट थे अकील रूबी साहब, वेरी गुड लिरिसिस्ट, वो आए, उन्होंने साथ बैठ के, मतलब इट वाज लाइक वो जो जल्दी में एक गाना बनता है ना, वो बना के उनको दिया. उन्होंने सुनते ही कहा कि यार ये तो कोई पॉप गाना है, आई एम सॉरी आई कांट डू इट. मैं फुल डिसअपॉइंटेड कि अच्छा ये तो बड़ा अच्छा गाना है यार, ये तो फिल्म में नहीं आ सकता. ये एग्जैक्टली दैट्स व्हाट ही सेड. सो ऑब्वियसली देन आई फॉरगॉट अबाउट इट. Then, ये कौन सा सन है? 98, 99 की बात, 97, I'm bad with dates. तो क्या कहते हैं ये अपना, उसके कुछ साल भर के बाद मुझे याद है कि वो हमारे नाना, उनको हम रजा ही कहते हैं, रजा ने अपने खरीदा वो एडिटिंग सिस्टम जो होता है, नए नए उस वक्त आए थे नॉन लीनियर एडिटिंग, उसको टेस्ट करना था कि ये सही भी चल रहा है कि नहीं चल रहा. गिनी पिग चाहिए था. तो इधर क्या करें, मैंने कहा फिल्म शिल्म ड्रामा कौन एक्टिंग करेगा, तो मैंने कहा लेट्स जस्ट मेक अ वीडियो आउट ऑफ दिस सॉन्ग and see what happens, you know, because this song is for me, the wo jo kandam gana nahi hota ke, just thrown it away, so let's just try to make it. So there's a friend of ours, Mariam Pasha, Shiri Pasha's daughter, so we used to be, unse maine kaha ya chalo let's try to, you know, do that. Unhone bhi naya usse digital was the, you know, in thing at that time. So wo liya, fir humne thoda bahut shoot kiya, humne kuch try kiya, wo fir nahi hua, fir karte humne kaha chalo let's just take a lot of we just sat in a car, drove around shooting and said let's try to join it. Wo lagta bhi aisi hai ki bas nikal pade hain aur camera roll pe dal diya aur ja rahe hain. Ha, process jab ye hua to Manware kind of was like totally against that very thing. I mean, so I had to take a stance ke bhi nahi, I'm going to do what I wanted to do, I'm not going to start making more songs like Manware because I don't believe in them. I don't it's not that I dislike them, but my heart is not in them, my heart is in this that I'm doing. To phir wo gana nikla tum hastiye jana tha, hum logon ne jab usme daadi bhi shave ho gayi, aur daadi by the way is a story, I think before you asked me the question, the reason why I had to shave it off was because we were involved with this company who sort of told us ke hum aapko promote karenge, ye karenge. So you know when you're struggling, you like you accept every offer. So unhone daadi kaat di hamari, and then I guess we just made the videos with the daadi. To wo phir ek saal do saal ke khair us process mein hum logon ne phir ek pure nayi image ke sath ek album ye suno ke main hu jawan shuru hua. SKMJH exactly. To jab humne show kiya pehla apna Karachi mein jaake, I mean jo pehla live show tha wo ek jagah thi M Live, ek chhota sa restaurant tha, wahan unhone performance hui. To wahan par jab hum log karne gaye to maine suna tha ki hamare kafi gaane online ho chuke hain, but I didn't take it very seriously. I was like kitna log sun lenge, I didn't know the importance of this whole internet at that point of time. To jab hum wahan gaye to wahan koi takriban 200-300 log the, और जैसे ही हमने अपने गाने गाने शुरू किए तो मतलब मैं एक लाइन गाता था और अगली चार लाइंस वो गा रहे थे. सो आई हैड नेवर हैड एन एक्सपीरियंस लाइक दैट. और पहली परफॉर्मेंस थी आपकी? पहली परफॉर्मेंस. सो आई मीन दैट्स व्हेन एवरीथिंग चेंज्ड, कि यार यू नो तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आया कि भाई मतलब इफ दिस इज हाउ मच पीपल आर फॉलोइंग यू, यू हैव टू देन मेक द एल्बम, यू हैव टू देन गो अबाउट इट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे. तो फिर हमने आए वापस, मैंने फुल एल्बम पे काम किया और उसको एक सीरियसली परसू किया विद इन 3-4 months, उसको एक शक्ल दे के देन वी पाकिस्तान में ये कुछ लोग ये भी कहते हैं आर्टिस्ट और हमेशा वो ऑफ कैमरा कहते हैं कि यार पायरेटेड हमारा म्यूजिक इतना ज्यादा है कि हमें म्यूजिक के बिकने से पैसे कोई नहीं मिलते, एल्बम से हमें कुछ नहीं मिलता, हमें पैसे मिलते हैं कॉन्सर्ट से,
और जो एल्बम्स हैं उनकी सेल से जो कंपनीज हैं उनको पैसे ज्यादा मिलते हैं, इज दैट राइट? बिल्कुल सही, बिल्कुल से बिल्कुल, कोई इसमें कोई इसमें जरा सा भी कुछ झूठ नहीं है. इट्स अ फैक्ट कि वो हमसे एक लमसम डील करते हैं वेयर वी से कि अच्छा आप 10 12 15 लाख व्हाटएवर डिपेंडिंग ऑन द आर्टिस्ट, और शुरू में 4 5 6 लाख समटाइम्स इवन फ्री होता है कि वो आपको पैसे देते हैं एंड व्हिच दे से इट्स एन एडवांस रॉयल्टी और व्हाटएवर और अ लमसम डील दैट यू स्ट्राइक विद देम, और सब राइट्स सब कुछ उनके पास है. हम लोग सिर्फ पाकिस्तान में राइट्स देते हैं. अच्छा. और राइट्स ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द डुप्लीकेशन, नथिंग मोर. अच्छा. दे कैन नॉट यू नो यूज द सॉन्ग्स द वे दे वांट टू व्हाटएवर. बाहर के मुल्कों में तो खैर बहुत, I mean, bahar to they, I think the only thing they leave, I think, is a few of your clothes. Otherwise, they own you. But yeah, fortunately, that way, it's much better. Mm. Since there's no system, you can, you know, dictate. But they're interested in making, it's a very simple, basic procedure. Like, put the album out, make some money out of it, and, you know, and then they get to keep all the money. Hum log concert se paisa kamate hain, saare ke saare. That's how it is. Viewers, ek choti si break lenge, wapis aayenge. Stay with us. We'll be right back. वेलकम बैक टू सेलिब्रिटी ऑनलाइन. हमारे साथ मौजूद हैं अली नूर. अली, ये बताएं कि जब पहली लाइव परफॉर्मेंस के लिए आप स्टेज पे गए हैं और इन अ सेंस वो मेक और ब्रेक सिचुएशन होती है ना, तो उस वक्त दिल की और नर्व्स की और हाथों की और उंगलियों की उस वक्त क्या कैफियत थी? अब जाके एक्चुअली लेटली अब होना शुरू हुआ बिकॉज आई बिकम, पहले हम होते बिल्कुल ही खुला सीन था. हाँ, अब हमने जरा पर्टिकुलर हो गए ना, तो अब मेरे जहन में ख्याल आता है अच्छा मेरी केबल लगी हुई है, मेरा गिटार ट्यून में है, व्हाट नॉट. बट उससे पहले फॉर 3-4 इयर्स सिंस वी स्टार्टेड फ्रॉम डे वन, द फर्स्ट एवर परफॉर्मेंस दैट आई इवन डिड व्हिच वाज इवन व्हेन आई वाज बेली 15-16 इयर्स ऑफ एज, कभी भी नहीं हुआ. अच्छा, आपके जो ग्रैंड फादर हैं, एक उन पे एक इल्जाम ये है जिनको आप रजा साहब कहते हैं कि जी उनके पास बरसगीर की सबसे बड़ी म्यूजिक लाइब्रेरी है और ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग्स हैं जो किसी के पास नहीं है, बहुत नायाब रिकॉर्डिंग्स हैं, इज दैट ट्रू? आई थिंक बरसगीर के सबसे बेहतरीन साउंड इंजीनियर और रिकॉर्डिस्ट वो हैं. आई मीन दैट आई कैन वेरी सेफली से कि क्लासिकल म्यूजिक में अगर किसी ने बरसगीर में सही मानों में सिंगल हैंडली कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया है वो. आई मीन ही इज क्रिएटेड अ होल इंस्ट्रूमेंट, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. आई मीन इससे पहले तो एक, मतलब एक आदमी ने तो कभी भी ये नहीं किया था कि जी पूरा एक इंस्ट्रूमेंट इवॉल्व किया लिटरली ओवर 35-36 इयर्स ऑन अ टोटली डिफरेंट, ऑन अ टोटली डिफरेंट फिलॉसफी ऑल टुगेदर. कॉन्सर्ट करने से पहले या कॉन्सर्ट करने के बाद या कभी वैसे भी एयरपोर्ट पे बाहर कभी कोई ऐसा कमेंट किसी ने दिया हो या कोई ऐसी बात हुई हो व्हिच इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, जो एक मेमोरेबल मोमेंट हो? ऐसा कभी नहीं हुआ. इट्स फनी बिकॉज एवरीवन हैज यूजुअली हैज अ स्टोरी टू टेल. आई डोंट. इफ यू से यू हैव सम वेरी अनयूजुअल थिंग टू टेल, आई डोंट, आई रियली डोंट. ये जो नई एल्बम है आपकी पीली पत्ती और राजा जानी की गोल दुनिया, जी इसके सुनने में तो बड़ा खूबसूरत लगता है, इसका कोई मतलब है, ये कोई मुहावरा है, ये नाम कैसे आ गया? ये हमजा जब अपने यंग एज में जब वो अपनी सीरियस सेल्फ इंडल्जेंसेस में इन्वॉल्व थे, एंड आई वोंट एलैबोरेट एनी फर्दर ऑन दैट, बट ही यूज्ड टू मेंशन दिस नेम टू मी ऑल द टाइम कि पीली पत्ती राजानी गुरु, दीज आर ऑल पत्ती, पान की पत्तियां हैं ये, एंड पीपल देयर लाइक तंबाकूज, दे हैव अ गिव यू अ स्मॉल हाई और समथिंग. सो तो मैंने उस बेसिस पे पीली पत्ती और राजानी दो कैरेक्टर्स क्रिएट किए और वो गाना बनाया कि बेसिकली वो दो कैरेक्टर्स हैं और लाइक देयर नेम दे आर इन्वॉल्वड इन बीइंग हाई ऑल द टाइम, बीइंग एंड हाई फॉर मी लाइक बीइंग ऑन अ ड्रग और समथिंग मींस टू बी एक्सट्रीमली सेल्फ इंडल्जेंट, टू स्टॉप केयरिंग अबाउट द वर्ल्ड. आप अपने ही आप में एक अपनी दुनिया बनाते हैं, तो उन्होंने अपनी एक दुनिया बना ली. अब वो दुनिया गोल नहीं है बेसिकली. जब उनकी आंख खुलती है, उनको रियलिटी नजर आती है, तो उनको एहसास ये होता है कि दुनिया गोल है. तो वो बोलते हैं, दे ऑब्वियसली स्पीक आउट टू द पीपल अराउंड, तुम्हें पता है दुनिया गोल है? तो वो लोग कहते हैं वो तो है. तुम्हें अब पता लगा है? तो दैट्स व्हेन दे रियलाइज कि इट्स टू लेट फॉर देम टू रियलाइज दिस वेरी बेसिक फैक्ट. फॉरगेट अबाउट द अदर फैक्ट्स ऑफ लाइफ, बट दे मिस्ड आउट ऑन दिस बेसिक रियलिटी एंड इट्स टू लेट. और फिर वो कहते हैं कि अब वो नहीं है, यानी कि अब उनकी एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट अपने एंड तक पहुंच चुकी है. तो वो एलिमेंट can lead to a serious disaster. Maybe a very, very slow, very unseen kind of a disaster, but there is a disaster in insensitivity and indifference. So this is the basis of this song. That's why we call it Peeli Patti Aur Rajani Ki Gol Duniya. Koi aisi seedhi jo chadna baki zindagi mein, kaun sa aisa kaam hai ki yaar maine ye agle 10-20 5 saal mein ye zarur karna hai? Jo videos hain, हम डायरेक्टर्स से बनवाते हैं, दे आर वेरी अकॉम्प्लिश पीपल, बट दे आर नॉट ऑन द सेम लाइन इज वॉट वी हैव इन आवर. आई एम होपिंग कि अगले 2-3 साल, बिकॉज हमें बिल्कुल नहीं जानते वीडियो काम को, हमें नहीं पता लाइटिंग कैसे होती है, बट हम, हमारा एस्थेटिक सेंस है, हम बता सकते हैं कि अच्छा है या बुरा है. अब हमको वो टूल्स इकट्ठे करने हैं, द इंटेलेक्चुअल टूल्स एंड द टेक्निकल टूल्स टू परसू
the visual side, whether film or video, whatever, I'm just saying visual side. So that's our next 4-5 years' serious agenda. In the next 4-5 years, in that agenda, the Chinese food you cook, does it have any role? Hai, अरे, आपको पता है? नहीं, मैं cook करना छोड़ दिया lately, तो मैं काम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि Chinese, अगर कभी मौका मेरा Chinese restaurant खोलने का, तो जरूर खोलूंगा, जिसमें खाना बहुत सस्ता मिला करेगा. आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपकी 3 महीने पहले आपने एक ऐसी हरकत की है जो बहुत साल पहले करनी चाहिए थी, वो की है शादी. बहुत साल, ये आप किस बेसिस पे किया कि बहुत साल? So how is your wife, who's a dear friend of mine as well, treating you? She's treating me really well. I think the reason why you should, आप जो कहते हैं मैं बहुत पहले करनी चाहिए थी और मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ इसलिए करता हूँ क्योंकि I believe that marriage is something which you should do with totally your own responsibility. I know it has been a pleasure. It's a pleasure. Thank you so much for being on the show. Thank you. Viewers, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक और गेस्ट के साथ. Till next week, take care and खुदा हाफिज.